करेंगे एक्सेस एंडिंग ऑफ सब स्ट्रिंग्स, इसका क्या मीनिंग है। देखिए लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसमें अगर हमें हमने लास्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन की थी और अगर फर्स्ट असाइन नहीं होगी तो क्या होगा, वो स्टार्ट करेगा शुरू से। यहाँ अगर स्टार्टिंग वैल्यू हमने असाइन की है और एंडिंग वैल्यू इंडेक्स में हमने नहीं असाइन की तो कैसे आउटपुट होगा, वो कंप्लीट वर्ड यानी आखिर तक वो प्रिंट कर देगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा, जो आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है, और एंड कहाँ करेगा, जो लास्ट कैरेक्टर है। ये सेम मैंने यहाँ लिखा है, देखें इंडेक्स स्लाइसिंग कैसे लिखते हैं, इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि स्टार्ट वैल्यू तो हम असाइन करेंगे उसको, लेकिन कॉलोन के बाद हम एंडिंग वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग सेक्शन इंक्लूडिंग बाय एड्रेसिंग ओनली द स्टार्ट इंडेक्स। डिफॉल्ट एंड इंडेक्स रिटर्न्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द लास्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर। जैसे ये मैंने नाम लिखा है शहनीला, और मैंने कहा कि ये स्टार्ट तो हो जाए टू, इंडेक्स टू से। एंड का मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, कुछ नहीं असाइन किया, तो ये कंप्लीट ए तक जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, टू से, और कौन सा है टू, जल्दी में अभी कभी आपने ये नहीं कहना कि ये एच से स्टार्ट होगा, एच वन है, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू, ये ए से प्रिंट होगा। देखें इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं, अनिला बन गया। अगर आप चाहते हैं कि एन से स्टार्ट हो तो जीरो वन टू थ्री फोर, कभी भी वन टू थ्री फोर फाइव नहीं लिखेंगे आप, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, फोर से लिखें, ये प्रिंट हो जाएगा आखिर तक, ए तक। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक दफा दोबारा सेट की है और इसको हम रन करवाते हैं तो देखेंगे क्या होगा। सेम नीला आया, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ मैंने प्रिंट का वर्ड यूज नहीं किया था। देखें डायरेक्ट वेरिएबल लिख के जब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो आपके पास आउटपुट कोटेशन में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट आपकी कोटेशन में ना आए तो आपने प्रिंट का वर्ड यूज करना होगा, और प्रिंट एक फंक्शन है, लोअर केस में लिखते हैं और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस जरूर लगाना होता है, आउटपुट आपकी कोटेशन में नहीं आएगी। तो इस लेसन में आपने क्या सीखा कि अगर हम इंडेक्स को फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दें और एंडिंग वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट करता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।